सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 मई 2021 रविवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 2 मई 2021 दिन रविवार का है और महीना जो है वो वैशाख का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक दोपहर 2:50 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की सप्तमी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 8:59 तक चलेगा और इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शाधि नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्रि के 1:47 से लेकर ठीक रात्रि के 11:25 तक चलेगा और इसके उपरांत शुभ नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:56 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक शाम के 6:50 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 12:39 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 11:37 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा धनु राशि इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा जो कि यह ठीक दोपहर 2:46 तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय यानी अभिचित मुहूर्त की बात करें तो यह ठीक सुबह के 11:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:14 से लेकर ठीक 6:51 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है परंतु नजरिए का नहीं। देर से बनो पर जरूर खुश बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाते हैं। दोबारा गर्म की चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रहता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या सम्मान या फिर धोखा। चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राशिफल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। अभी आप अपने अतीत और यादों को अलग समूह में महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने के लिए एक छोटी यात्रा के लिए जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए यह समय उचित है। आर्थिक लाभ भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबतों से बचाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। अभी आप कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षा में व्यवधान के योग हैं, लेकिन आने वाला समय आपको अपने अधिकार के बारे में अवगत कराएगा। नया वाहन, अचल संपत्ति या इमारत खरीद सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए थोड़ा बच के रहें। समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे अपने ध्यान को भटकने न दें और उस लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं। निवास स्थान यानी होम प्ले पर आपको सुकून और आपके मन को शांति मिलती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है आपका स्वीटू आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके साथ बिताया समय आपके लिए यादगार और स्पेशल होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है अपनी पसंदीदा गतिविधियों के उसे शामिल करें और प्रोत्साहित भी करें। आपका रोमांटिक स्वभाव आभास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा। हम आपको बताना चाहेंगे जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में न सोचें। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और सच्चे दिल से जय सूर्य महाराज जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।